What is up people, welcome back to my channel. In this video I will be telling you what is the basic difference between Graf Fikera Hill University and Graf Fikera Deemed University. A lot of people have asked me about this question and maine kabhi iska zyada proper tarike se reply nahi kara. I am very sorry for that. बट येस डेफिनेटली मैं इस वीडियो को इसमें सारा कंटेंट कवर कर दूंगा जितना मेरे से हो सकता है. और आपको जो भी डाउट्स हो इस वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. मोर ओवर यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम जो स्क्रीन पर आ रहा है, अभी आपको दिख रहा है. ठीक है, आप इससे मेरे पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Graf Fikera Hill University और Graf Fikera Deemed में क्या डिफरेंस है, राइट? यही आपके डाउट्स है ना. इस चीज़ को पॉइंट वाइज कवर करते हैं, करेक्ट? देखिए, मैं स्टूडेंट Graf Fikera Hill University का रहा हूँ. मैं देहरादून से एजुकेशन हुआ है मेरा. तो Graf Fikera Deemed University है वो हिल यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट में है. मतलब ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट गली में आपका Graf Fikera Deemed University आता है, देन सेकेंड गली में आपका Graf Fikera Hill University आता है. स्ट्रीट्स आर अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, उसी में दोनों में यूनिवर्सिटीज़ हैं. हिल यूनिवर्सिटी है वो आपका 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड जो आपका Graf Fikera Deemed यूनिवर्सिटी है वो काफी आपका पुराना है, 1993 में स्टैब्लिश हुआ था. यू कैन रेक्टिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूनिवर्सिटीज़, कितना ज़्यादा उन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस आया है टाइम का. जो Graf Fikera Deemed यूनिवर्सिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, एंड उसमें जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं. ठीक है, मतलब काफ़ी सीनियर टीचर्स हैं. और जो यूनिवर्सिटी हिल है उसमें भी टीचर्स आपके पुराने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उसमें. बट येस, वो अभी नई एस्टैब्लिश हुई है तो उसमें थोड़ा टीचर्स नए हैं. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है टीचर्स का. स्टडी वाइज, सिलेबस वाइज, बोथ द यूनिवर्सिटीज़ आर सेम. ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का. एंड टीचर्स जो हिल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो जाके डीम में भी पढ़ाते हैं, और डीम्ड के टीचर्स Graf Fikera Hill यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा एक्टिव है, राइट? सो गाइज, मैं हिल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ. आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं, बट मैंने जो नोटिस करा, मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव लगता है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी IEEE की वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, और आपके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स होते हैं, कोडिंग के वर्कशॉप्स होते रहते हैं. हिल यूनिवर्सिटी में भी होती हैं वर्कशॉप्स, ऐसा नहीं है. डीम्ड में ज़्यादा होती है दैट वर्कशॉप्स एंड एक्टिविटीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह. अभी लास्ट 2 ईयर से ही स्टार्ट हुआ है हिल यूनिवर्सिटी में. गाइस, आपको यहाँ से बेसिक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ में क्या थोड़ा डिफरेंस है. अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिक्टनेस को लेकर. येस, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा कम है जो मुझे लगता है, और जो हिल यूनिवर्सिटी है वहाँ स्ट्रिक्टनेस है. जैसे फॉर एग्जांपल आशीष जलानी का आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें वो बोलता है कि आईडी कार्ड दिखा मॉर्निंग वाला, तो गेट पे ही आपको रोक देते हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ दैट डिफॉल्टर, जो मैं यूजुअली होता था. डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप चिल आउट करके मस्त आप अपना आराम से जा सकते हो हेडफोन्स लगा के, कोई आपको क्वेश्चन करने वाला नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी में. डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुझे इस चीज़ में एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, बिकॉज डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है ना वो आपका थोड़ा कॉलेज टाइप का एनवायरनमेंट है. वहाँ पर आपको लगेगा कि येस, यू आर इन कॉलेज. और हिल में आपको लगेगा थोड़ा सा कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी अपने लेवल पे, वो चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में. गाइज, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो येस, बोथ द यूनिवर्सिटीज़ आर सेम, ऑलमोस्ट सेम. एक्चुअली देर वॉज वन सेमिनार इन माई Graf Fikera Hill यूनिवर्सिटी. देर वॉज वन IBM चीफ, आई डोंट नो अबाउट हिज प्रॉपर डेजिग्नेशन, बट येस, ही वॉज एट वेरी हाई पोजिशन इन IBM. सो वी हैड वन डिस्कशन इन आवर ऑडिटोरियम, एंड ही स्पोक दैट फॉर हिम Graf Fikera Hill यूनिवर्सिटी इज़ ओनली वन. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ हिल और यू आर स्टूडेंट ऑफ डीम्ड और यू आर स्टूडेंट ऑफ हिल भीमताल, इट डजेंट मैटर. फॉर हिम Graf Fikera इज ओनली वन. लगा सकते हो कि कंपनीज हिल और डीम्ड को ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानती है. गाइस, मैं आपको कंपनीज का थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपनीज किस तरीके से हायर करती हैं Graf Fikera के बच्चों को या Graf Fikera के स्टूडेंट्स को. गाइस, सपोज करिए एक कंपनी आई है इन्फोसिस, Graf Fikera Deemed में आई है. इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ हिल और डीम्ड, यू विल बी आस्क्ड टू गिव दी ऑनलाइन एग्जाम, एंड इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई दैट ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच इज ऑफ एप्टीट्यूड एंड क्वांट एंड रीजनिंग, शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी पीपल आर फाइटिंग फॉर द प्लेसमेंट, राइट? वी पीपल आर फाइटिंग फॉर द हाईएस्ट पैकेज, करेक्ट? और पेरेंट्स भी उसी का आउटकम आपसे पूछते हैं. लगे हुआ प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव में दोनों यूनिवर्सिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस चीज़ से. आपको अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, आपको अब आगे भी कोई भी डाउट होता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके क्वेश्चन का सारा प्रॉपर आंसर आपको शेयर करता हूँ. कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हो पूछ लेना. ठीक है, और सर फीस का बता देता हूँ. अगर आपने 10th and 12th उत्तराखंड से करी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द 10% डिस्काउंट विच इज़ गिवन ओनली इन हिल यूनिवर्सिटी.
टू दी उत्तराखंड स्टूडेंट्स ओनली, बस उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप हिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो 10% मिलता है। ये एक डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हिल की जो फीस है एज़ कम्पेयर टू डीम थोड़ी सी लो है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वर्कशॉप्स इतनी होती हैं, सेमिनार्स इतने होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हिल में भी होते हैं, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मेक श्योर कि इस चीज़ को आप करेक्ट कर लो कि हिल में सेमिनार्स वर्कशॉप्स होते हैं बट एज़ कम्पेयर टू डीम्ड इतने एक्टिव नहीं होते हैं। बट अगर आप हिल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, देन यू कैन इजीली गो फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जाके आप अपना सेमिनार में अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप उस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। तो गाइज बोथ द यूनिवर्सिटीज आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, आप डीम्ड में भी कभी भी जा सकते हैं, आप हिल में भी कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। गाइज अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। गाइज मैं बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो बीटेक का पैकेज है, जो बीटेक का फीस है हिल यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू डीम्ड, और वो हर ईयरली अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्ली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कम रिसोर्सेज में कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज वन मोर थिंग, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया ग्राफिक एरा में NCC है, NSS है, यानी ग्राफिक एरा में NCC है और NSS भी है, आपको जो सर्टिफिकेशन करना हो आप वो कर सकते हो वहाँ पर। तो पीपल आई हैव शेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव विद मी रिगार्डिंग बोथ द यूनिवर्सिटीज़। इफ़ यू हैव सम अनदर डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर आओ, मुझे मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर आपको रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, इफ़ यू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो देन डू शेयर एंड लाइक माई चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरर। डेफिनेटली मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे हेल्प हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।